गुड इवनिंग, मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। कि पैसा की कोई कमी नहीं है। अभी हम एक देख रहे थे उनका एक भाषण में कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री को बोल रहे थे कि आप प्रपोजल भेजिए, पैसा की कोई कमी नहीं है, आप जमीन का बंदोबस्त करके हमें दीजिए, हम काम करेंगे। बड़ा से बड़ा योजना भी ये लोग माने हमारी सरकार जो वर्तमान में है चल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों का गांव और देहात में एक कहावत है कि जिस घर का मालिक ईमानदार और सही रूप में काम करने वाले हो वहां बरकत अपने आप होता है। जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में संभाले हैं तब से हर एक क्षेत्र में ये दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आज एक संतोष हम लोगों को होता है कि कहीं भी जाते हैं तो निश्चिंत रहते हैं कि कोई बम नहीं फूटेगा, कोई विस्फोट नहीं होगा। पहले दशहरा दिवाली किसी तरह का पर्व होता था, किसी भी महानगर में जाते थे हर समय भयभीत रहते थे कि भीड़ भाड़ जगह में मत जाओ, इस जगह पर मत जाओ। अगर देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होती है, आपको यह भी ध्यान में कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कोरोना काल में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डबाडोल हो गई, लोग संकट में। कई देशों की अर्थव्यवस्था तो इतनी खराब हो गई जिसकी कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन आपको यह ध्यान में है कि सबके बावजूद इस देश की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और इतना ही नहीं किया, आज हम दुनिया के अंदर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कई क्षेत्रों में जो प्रगति हम लोगों ने की, यहां बैठे रविशंकर जी पहले संचार मंत्री थे, आप जानते हैं मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में भारत 2014 में 12वें नंबर पे था, लेकिन आज भारत मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र के मामले में आज भारत दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर पहुंच गया, यह प्रगति आपके कारण है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में हम जहां 2014 में दुनिया में 7वें नंबर पर थे हमारा उत्पादन, आज ऑटोमोबाइल के सेक्टर में उत्पादन क्षमता हमारी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई, ये आपके कारण संभव हुआ है। आज अगर हम प्रतिदिन आज रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका नंबर वन माना जाता है, आज आपको इस बात का गर्व होगा कि आज भारत रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद नंबर दो पर पहुंच गया है। भारत रोड नेटवर्क के मामले में यह हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है। रेल नेटवर्क के मामले में आज भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया पूरी दुनिया के अंदर। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत छठे नंबर पर पहुंच गया दुनिया के अंदर। ये सब बात हमारे लिए गर्व की बात है और ये सब इसलिए हो पाया है यहाँ के उद्योगपतियों ने, यहाँ के व्यवसायियों ने इस सरकार का भरपूर साथ देने का काम किया है, सरकार को मदद करने का काम किया है और साथ साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाने का भी काम किया। और व्यवसाय बढ़ा इसलिए कि जो सरकार दिल्ली के अंदर बनी उस सरकार ने इस बात को माना है कि हमारी अर्थव्यवस्था को अगर ठीक रखना है, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा और व्यवसायियों को साथ के चलना भी पड़ेगा। हमारे ऊपर आरोप रखते हैं, आप जानते हैं, हमको तो कहता है कि बनिया की पार्टी, व्यवसायियों की पार्टी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने वाले समस्त 130 करोड़ लोगों की पार्टी है, इसके एहसास आपको। लेकिन हम ये भी मानते हैं अगर देश को आगे बढ़ाना, देश को विकास के रास्ते में ले जाना, देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना है तो बिना व्यवसायियों के समर्थन के, बिना व्यवसाय को बढ़ोतरी किए हुए हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देने आए कि आपने मोदी जी का समर्थन किया, इसके कारण आज मोदी जी की सरकार ने देश की दूर तक ले जाने का काम किया है। आज के संयोग से यहां भारत सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री बैठे हैं रविशंकर जी, बहुत सारी जानकारियां आपको दे सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि बिहार सरकार के इतने सालों तक वित्त मंत्री रहे सुशील मोदी जी बैठे हैं, हम इन दोनों के रहते हुए अब व्यवसायियों के बारे में, कानून के बारे में या फिर अर्थव्यवस्था के बारे में मैं ज्यादा बोलूं ये मेरे लिए उचित नहीं है। मैं आज इस मंच पर, मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ फिर से एक बार आपको आभार करता हुआ। हमारे सांसद सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, हमारे सभी सरकार के विधायक, बिहार के विधायक नंदकिशोर यादव जी, अरुण सिन्हा जी, नवीन जी,
संजय संजीव जी, हमारी महापौर सीता साहू जी, इस सम्मेलन को बुलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले 9 सालों में जो हुआ है वो हम लोग एज ए व्यवसायी, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग सभी देख रहे हैं कि देश कहां से कहां पहुंच गया। पहले हम लोग 2014 में हमें याद था कि 80,000 के करीब पर कैपिटल इनकम होती थी, आज 2 लाख पहुंच गई। आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी शॉर्टेज नाम की चीज है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, कोई भी साधन हो। तो इस जिस तरह से वेलफेयर स्कीम गांव गांव तक पहुंची है, हरेक जगह मकान बन गए, बिजली पहुंच गई, पानी का नल पहुंच गया, टॉयलेट पहुंच गई, कि कोई तरह की गैस पहुंच गई, तो ये अपने आप में जो 9 साल में हुआ है ये हमको लगता है कि पिछले 50-60 सालों में भी इतना जल्दी नहीं हुआ। तो इसके लिए ये जिस मिशन मोड में सरकार ने काम किया है उसके लिए हम सभी व्यवसायी सरकार को बहुत बहुत, केंद्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस मिशन मोड के चलते ही हम लोग ये सारी तरक्की देख रहे हैं। आने वाले समय में भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी रफ्तार से देश तरक्की करेगा केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार को भी इसका फल मिलता रहेगा। अभी थोड़ा ही मिल रहा है लेकिन आगे और काफी तेजी से काफी अधिक मिलेगा, इसकी हम लोग कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुणी। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 9 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ अपने मन के उद्गार रख सकूं, वो भी माननीय सांसद एवं विधायक की इतनी उपस्थिति में और इतने एलीट लोगों के बीच में। सबसे अधिक बड़ा तो जो हमारे सेनापति का जो किया हुआ है काम, वो COVID-19 में उन्होंने जो वैक्सीनेशन का जो काम किया है, जबकि सारे देश में लोग धड़ाधड़ लोगों की मृत्यु हो रही थी और हम लोगों के इनके वैक्सीनेशन से सारे देश की जनता को उन्होंने बचा लिया और मुफ्त में लोगों को, सारे लोगों को वैक्सीनेशन दी। और उससे उसके अलावा इस वैक्सीनेशन से दूसरे देशों को जो मदद की कि जो वो गए दूसरे देश में पापुआ न्यू गिनिया में, तो वहां के भी जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई आवश्यकता न थी कि इनके पैर छू के प्रणाम करें, वो इनके कार्य से ही अभिभूत होके वो भी अपने मन के उद्गार से इनके पैर छू के प्रणाम किए। और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इतना बड़ा है कि आज दिल्ली से जयपुर जाना हो तो 2-3 घंटे में पहुंच जाए, वृंदावन जाना हो तो दिल्ली से 2 घंटे में पहुंच जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफी है। डिफेंस में हम लोग का जो डेवलपमेंट है, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग के सेना नायक इतने मजबूत है, काम करते पता ही नहीं है। और हम ये समझते हैं कि उनकी सोच और कार्य शक्ति का कुछ हिस्सा भी हम लोग को मिल जाए तो हम लोग देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।